जय हिंद मेरे भाइयों और उनकी बहनों, कैसे आप सब। मैं आपका इस इंस्पेक्टर एक बार एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। आप लोग देख रहे हो कहाँ हूँ, किस ड्रेस में हूँ, बहुत लोगों को पता है। मैं अपनी एक्स इंस्पेक्टर की पुलिस ट्रेनिंग में आया हूँ, एक हफ्ता हो गया, लास्ट का बचा हुआ है। रनिंग करने आया था, संडे का दिन था, थोड़ा चिल कर रहा था पीटी ड्रेस में। एक मेरे पास बहुत डाउट आ रहे थे, क्या डाउट है वो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एलिजिबिलिटी लेके, वैकेंसीज लेके। तो बहुत लोगों ने कहा सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की स्ट्रेटेजी बताओ एक बार, कैसे हम तैयारी करें। एक आप लोग वो देख रहे होंगे, एक लेटर वायरल हो रहा है जो दिल्ली पुलिस ने एसएससी को दिया है, जिसमें उसने अपनी वैकेंसी बताई है, टेंटेटिव डेट बताई है कब एग्जाम हो सकता है और कितनी वैकेंसी बढ़ी है, क्या हुआ है। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब मैं वहां पर गया था रिक्रूटमेंट सेल, तो मेरे को दिल्ली पुलिस वालों ने बोला था कि अभी तक उनका कोई इंटीमेशन नहीं है, तो इसलिए शायद वो ना करवाए। वही चीज सच हुई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन जो 2023 का है वो फिर से एसएससी कराने जा रही है। 6400 कुछ आसपास वैकेंसी थी, अब 1000 के आसपास और बढ़ गई है, 7400 कुछ हो गई है। और इसका पेपर होने आ रहा है सितंबर में, जो हमने अंदाजा लगाया था कि मई जून में होगा, अप्रैल मई में जून में, वो बढ़ चुका है। तो अब सितंबर में होने जा रहा है पेपर, 5-6 महीने आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 7400 के आसपास वैकेंसी आना कोई मजाक नहीं है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैंने आपको पहले बताया था एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्या फिजिकल क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या उसका एग्जाम का पैटर्न आता है, तैयारी कैसे करनी है आपको, वो मैं बताने आया हूँ आज इस वीडियो में। तैयारी में मैंने उस दिन आपको बताया था 4 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, जीके, इसमें जीएसबी आ जाता है, करंट अफेयर आ जाता है, मैथ्स आ जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर आ जाता है और रीजनिंग आ जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें कंप्यूटर की। अभी आपने देखा होगा जैसे सीजीएल 22 की, सीजीएल 2020 का मेंस हुआ, उसमें कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर काफी अच्छे लेवल का आया, बहुत लोग उसमें परेशान हुए। एक तो पहली बार एसएससी में सीजीएल और इनमें आता नहीं था, तो थोड़े बच्चे से परेशान हुए, पढ़ा नहीं है, दिल्ली पुलिस में तो पहले से आता है, तो थोड़ा कंप्यूटर पे जो 10 क्वेश्चन आने हैं उस पर ध्यान देना है आपको। जो भी सीजीएल 22 के क्वेश्चन आए हैं, आंसर की आ गई है, तो आपको वो देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें ही काफी आपको रिपीट मिल जाएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, तो वो प्रीवियस ईयर जरूर करना है। पहले के जो कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर जिस एग्जाम्स में आता है एसएससी के, वो आपको प्रीवियस ईयर जरूर करना है। और कोई भी आप एक छोटे मोटे जो यूट्यूब पे वीडियोज आती रहती है इसकी कंप्यूटर की, वो आप देख सकते हो किसी अच्छे टीचर से। इसको हल्के में इसलिए नहीं लेना है क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आते हैं, 10 में से कम आपके 6-7 तो ठीक होने ही होने चाहिए, तभी आपका स्कोर बनेगा, कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। तो कंप्यूटर के आप ये जो सीजीएल 22 के आए ये जरूर देखो, प्रीवियस ईयर करो, और यूट्यूब पे कोई एक अच्छा सा टीचर ढूंढ के आप उससे कर सकते हो। ज्यादा इसे इग्नोर भी नहीं करना है और ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इसे ही पढ़ने में लग रहा है, आपको पता 10% इसकी वेटेज है। इसके बाद मैं आता हूँ क्वांट पे, जिसकी 15% वेटेज है, यानी कि 15 नंबर के इसमें क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए फिर वही सिंपल सा बात बता रहा हूँ, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सब के प्रीवियस ईयर कर लेना, पिछले साल और उससे पिछले साल, मतलब जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ उसके सारे पेपर सॉल्व कर लेना मैथ्स के, बहुत इजी मैथ्स, अब सीजीएल 22 में भी बहुत इजी मैथ्स आ रही है, तो मैथ्स के लिए आपको बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैथ्स अब हल्की ही पूछी जा रही है, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है पिछले टाइम से। मैं सोच रहा था पैटर्न शायद कहीं थोड़ा इधर उधर ना हो जाए, इधर उधर ना हो जाए, पर ऐसा नहीं होगा। तो मैथ्स आप प्रीवियस ईयर करो, मॉक लगाते रहो उसके साथ साथ और उसकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। डेली आपको 1 घंटा कंप्यूटर को देना है और 1 घंटा मैथ्स को देना है। इसके बाद मैं आता हूँ रीजनिंग पे, रीजनिंग जिसकी 25 क्वेश्चन है और 25% वेटेज है, इसे भी ये भी थोड़ी मतलब एवरेज आ रही है, इजी भी नहीं कहूंगा, टफ भी नहीं कहूंगा, एवरेज आ रही है। अभी सीजीएल 22 का मेंस हुआ, उससे पहले सीपीओ प्री हुआ था, सीएचएसएल हुआ, स्टेनो वगैरह में भी आती है, तो इसके लिए भी आपको सिंपल क्या करना है, किरण की प्रीवियस ईयर खरीदो, जिसमें एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं अलग अलग एग्जाम के रीजनिंग के, वो आप सॉल्व करते रहो, मॉक देते रहो। तीसरी चीज करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, रीजनिंग बहुत लोग टाइम खराब करते रहते हैं, 2 किताब लिया 3 किताब लिया, कोई जरूरत नहीं, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर करो और मॉक लगाओ, देखते हैं आपका स्कोर कैसे नहीं आता। 25 में से 20 प्लस आपका टारगेट होना ही होना चाहिए अगर आपको दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करना है तो। इसके बाद और रीजनिंग में आपको 1 घंटा देना है, तो 3 घंटे हो गए आपके, 1 हो गया आपका कंप्यूटर का, 1 घंटा हो गया आपका मैथ्स का और 1 घंटा हो गया आपका रीजनिंग का। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि 50 नंबर का है, जीके, जैसे हम जीएसबी कह देते हैं, करंट अफेयर्स भी उसमें इंक्लूड है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इस पे लोग बहुत परेशान रहते हैं, स्पेशली एसएससी की फील्ड में, यूपीएससी और पीसीएस में तो ये कोर सब्जेक्ट होता है, पर इसमें बड़े, अब सीजीएल 2020 मेंस आया, आप लोगों ने देखा होगा हल्ला मचा कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सब इजी आई, पर कंप्यूटर थोड़ा अच्छा आया और जीएस ने परेशान किया लोगों को, जीएस परेशान करता ही करता है, सब्जेक्ट ऐसा है। तो जीएस में आपको 50 में से, मेरा मानना है तैयारी ऐसी होगी आपके 30+ नंबर आए, 30 तो आए, 30 से नीचे ना आए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ वैकेंसी तो 7400+ आ रही है, पर कांस्टेबल इतना कट टू कट होने वाला है ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, आप देखना मेरी बात को नोट करके रखना, क्योंकि बेरोजगारी है,
बच्चे लोग, इवन पोस्ट ग्रेजुएटेड के बंदे भी जो है इसमें बैठते हैं, कॉन्स्टेबल एग्जाम में बैठते हैं। तो आपको जीएस कैसे पढ़नी है, सबसे पहले आप एक काम करो, एक मोटा सा रजिस्टर खरीद लाओ, एक मोटा नहीं दो तीन मोटे से रजिस्टर खरीद के लाओ, बढ़िया पेन वैन लेके आओ, हाईलाइटर लेके आओ, फिर एक ल्यूसेंट की किताब लेके आओ। अब बहुत लोग कहने लगे ल्यूसेंट इनफ नहीं है, सुन लो पहले पूरी बात, उसके बाद बात करना। ल्यूसेंट की किताब खरीद के लाओ, ल्यूसेंट किताब देखने में बहुत पतली है पर उसमें जो डेटा है ना इन्फॉर्मेशन वो बहुत ज्यादा है, कई मोटी मोटी किताबों से भी ज्यादा है। वन लाइनर, अब आप बहुत लोग कोशिश क्या करते हैं कि हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो लक्ष्मीकांत से पढ़ने लगेंगे, हिस्ट्री पढ़े तो स्पेक्ट्रम से पढ़ने लगेंगे, फलाना पढ़ने लगेंगे, ये यूपीएससी के लिए किताबें हैं और कहीं कहीं पीसीएस के लिए, इसमें बहुत डेप्थ में बातें आती हैं। आपको इतना एप्लीकेशन बेस्ड जीएस नहीं पूछते हैं, सीधा वन लाइनर टू द पॉइंट, ये कहाँ पे है वो कहाँ पे है। एप्लीकेशन बेस्ड जब आदमी की जीएस आती है ना तब उसे डेप्थ में पढ़ने की जरूरत होती है, कि हम मोटी मोटी किताबों से रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे, उसमें पढ़ के आप टाइम खराब करोगे। अभी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी कांस्टेबल के तरीके से की जाएगी, नॉलेज ज्यादा लोगे उसके बाद तैयार करोगे, आगे भी दूसरे एग्जाम्स दोगे, पर ये मोटी मोटी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ल्यूसेंट लाओ, ल्यूसेंट में आपको बता रहा हूँ, आप ल्यूसेंट का टारगेट रखो, मुझे 3 से 3.5 महीने में ल्यूसेंट कंप्लीट करनी है। अभी आपके पास 5-5.5 महीने, 3 से 3.5 महीने में आपको कंप्लीट करनी है। हाईलाइटर से निशान बनाओ, डेली रीडिंग करो, उससे नोट्स बनाओ जो आपको जरूरी लगता है, वो जो मैंने आपको रजिस्टर बताया, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग रजिस्टर, पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री का अलग, इकोनॉमी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, साइंस का अलग, करंट अफेयर्स का अलग, वो बनाओ। उसके बाद प्रीवियस ईयर उठाओ, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया, जो सीजीएल में आ रहे हैं, तो 22 का मेन सोर्स से पहले जो प्री में आता था, सीपीओ प्री में जो आता था, सीएचएसएल प्री में जो आता था, वो उठाओ, ठीक है। फालतू की पीडीएफ मत देखना है जो टेलीग्राम पे शेयर होती रहती है, ये वो। जीएस एक समंदर है, उस समंदर को कैसे पार करना है उसका तैरने का एक तरीका होगा, अगर इधर उधर हाथ पैर चलाते रहोगे वहीं डूब के अपना खत्म हो जाएगा मामला। तो सबसे पहले ल्यूसेंट कंप्लीट करो 3-3.5 महीने में, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट करो, उसके बाद आप जो मॉक लगा रहे हो, मॉक के अंदर जो भी आपको जीएस का नया सवाल मिल रहा है उसे एक कॉपी में नोट डाउन करो और उसका रिविजन करो। रिविजन जीएस पे की है, जीएस में की है, हर सब्जेक्ट में की होता है, पर रिविजन जीएस में तो स्पेशली की है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। आपने सब पढ़ लिया, आप सब मगअप करते चले जा रहे हो, पता चला 2 महीने क्या पता पहले पढ़ा था, पता ही नहीं चला। तो रिवीजन हर दूसरे दिन जीएस का करना है आपने। मैंने आज जीएस पढ़ी, कुछ नया पढ़ा, अगले दिन पढ़ी, कुछ नया पढ़ा, अब मैं जब तीसरे दिन पढ़ने बैठूंगा तो पिछले 2 दिन का मुझे रिवाइज करना है, ध्यान रखना। ये तरीका होता है सही पढ़ने का, ये नहीं 10 दिन से लगातार पढ़े आप रिविजन करने जा रहे हो, हर दूसरे दिन पढ़ो, तरीका बता रहा हूँ ये, हर दूसरे दिन नया पढ़ो, तीसरे दिन जीएस का रिविजन करो, जो आप नोट्स बना रहे हो, जो भी आप किताबों से पढ़ रहे हो हमेशा। आपको डेली जीएस पे देने हैं सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे, 3 घंटे हुए, 1-1 घंटे 3 सब्जेक्ट के और 2.5 घंटे, कितने टोटल टाइम हुआ भाई, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे 24 घंटे में पढ़ना कोई भी बिग टास्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इस 5.5 घंटे में मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, जो अच्छे कैलिबर का बंदा होगा और स्मार्ट होगा वो 5.5 से भी कम में पढ़ लेगा। 5.5 घंटे डेली पढ़ जाओगे ना 5-5.5 महीने, अभी आपको कुछ भी नहीं आता तब बता रहा हूँ, तो आपका कांस्टेबल निकला निकाला है। अब सिर्फ 5.5 घंटे नहीं, अभी 1 घंटा और देना है इससे कांस्टेबल की तैयारी में। वो अगला 1 घंटा क्या है, ग्राउंड, जैसे देख रहे हो ग्राउंड में पसीना मारना है, क्योंकि आपको पता है अब SSC करा रहे हैं तो पहले एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल, आपको पता है फिजिकल बहुत मेन है इसमें, और बंदे एग्जाम निकाल लेते हैं फिजिकल में रह जाते हैं, वही 1600 मीटर 6 मिनट वाली रनिंग, लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 3 फुट 10 या 11 इंच, जो भी है मैंने वीडियो बनाई थी उसमें देखा, फिर आसान तो है नहीं। तो अब बहुत लोग क्या करते हैं, हाँ भाई हम 4-5 महीने पहले तैयारी करेंगे, एग्जाम तो निकल गया तैयारी हो बढ़िया, लास्ट में पता चला फुस रह गए कौन से उसमें फिजिकल में। ग्राउंड आप देखो, ये मेरी एकेडमी का, मैं जहाँ हूँ RPF एकेडमी में लखनऊ में, यहीं पे बहुत अच्छा ग्राउंड है। तो रनिंग को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, फिजिकल को हल्के ना मिले, 5.5 घंटे तो आपने पढ़ाई में दे दिए, अब 1 घंटा आपको देना है फिजिकल एक्टिविटी रनिंग में, तो टोटल कितने हो गए 6.5 घंटे, यानी कि 17.5 घंटे अब आपके पास है जिसमें आप सो लो, घूम लो, फिर लो, मौज मस्ती कर लो, बहुत होते हैं भाई 17.5 घंटे, ठीक है। तो 6.5 घंटे दो, इसे बांटना कैसे हो बता दूं, जो बहुत सुबह उठ के पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो 8-8.5 बजे के आसपास उठते हैं, 8 बजे उठो, 9-10 तक फ्रेश हो जाओ, 10 बजे से स्टार्ट करो, 10 बजे से 1 घंटा पढ़ा आपने कंप्यूटर, 10 मिनट का गैप लो, उसके बाद लो 1 घंटा आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, पॉइंट पढ़ा, फिर 10 मिनट का गैप लो, उसके 1 घंटे बाद आप क्या पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, अब आप लो लंच का ब्रेक, लंच करो, लंच के बाद 1 घंटा सो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, उसके 2.5 घंटे बाद आपको क्या करना है, उसके मतलब उसके 2.5 घंटे फिर आपको जीएस पढ़नी है, खत्म हो गए लगभग 5-5.5-6 बज गए, उसके बाद आप शाम को ग्राउंड जाओ, ढूंढो नहीं है तो ढूंढो सही से, पार्क में दौड़ने लग जाना, मतलब पार्क में एक सही से प्रॉपर ग्राउंड ढूंढो, इधर उधर थोड़ा दूरी बढ़े कष्ट पड़ता है, प्रॉपर ग्राउंड ढूंढो, हर सिटी में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा ग्राउंड में दो,
फिजिकल एक्टिविटी करो, यानी कि जो मैंने आपको एक सीपीओ की वीडियो बनाई हुई थी कि कैसे आपको रनिंग करनी है और क्या करना है, डाइट की भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, तो आप वो देख सकते हो मेरे चैनल पे, और इसकी तैयारी करो। 5-5.5 महीने में ऐसे चुटकी में कॉन्स्टेबल निकलेगा, बट इस बहन में बता रहे 7400 वैकेंसी, देखना फॉर्म कितने भरे जाएंगे और कितने टॉप कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने वाला है। अब आप देख रहे होंगे कि वैकेंसीज सीजीएल 22 में भी काफी आई और उसमें भी बहुत ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, अब सीजीएल 23 भी आने वाला है, तो उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि सीजीएल 22 हो गया तो 23 में क्या करें। तो इन चीजों का ध्यान रखो भाई, और मैं ये बता रहा हूँ वर्दी जरूर पहनोगे, दिल्ली पुलिस का यहाँ पे जो बैच पहनते हो, एक यहाँ पे आप इंडिया गेट का बैच लगने लगा है राइट साइड में, जरूर पहनोगे, 5-5.5 महीने मेहनत कर लोगे, तो अगर ऐसे निठल्ले घूमते रहे, देख लेंगे कर लेंगे, तो ऐसे ही रह जाओगे, आपके साथ वाले निकाल के ले जाएंगे, और हर साल एग्जाम आने नहीं वाला। और ये डिले हो गया तो जिनकी थोड़ी कम तैयारी तो उनके लिए और अच्छा है, और एसएससी ले रही है, दिल्ली पुलिस नहीं ले रही, तो एक पैटर्न का भी हल्का पता है कि भाई पैटर्न कैसे आने वाला है, क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस लेती तो बहुत टाइम बाद लेती, पैटर्न का नहीं पता चलता। तो जीएस पे स्पेशली फोकस करो, बता रहा हूँ ल्यूसेंट प्रीवियस ईयर और मॉक के क्वेश्चंस बहुत हैं, और कभी भी जीएस की तैयारी पूरी नहीं होती। टारगेट ये रखना 50 में से 30 के आसपास स्कोर आ जाए, 30 उसमें आ गया, 20 के आसपास रीजनिंग में आ गया, 20 से नीचे ना रहे, 50 हो गया, क्वांट में 15 में से 10 से 11 आना चाहिए, तो कितना हो गया 50 हो गया, 30 और 20 रीजनिंग का 50 और 10 क्वांट, 10 क्वांट का लगभग 60 और 7-8 नंबर आपके आने चाहिए कंप्यूटर में, 67-68, और मैंने क्वांट आपके कमी बताया, तो अगर आपके 65-70 के आसपास आप स्कोर लाओगे तो आपका श्योर श्योर सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि पिछले बार भी कट ऑफ मैंने एक वीडियो बनाई थी दिल्ली बिजनेस कट ऑफ जो पिछले वाला था उसमें 72 के आसपास थी जनरल की, और ओबीसी एससी एसटी की थोड़ी कम थी। तो ये आप तैयारी करते रहो साथ में डेली के डेली, आपको मजा आएगा पढ़ने में, स्टार्टिंग में थोड़ा कष्ट होगा, पर मेरी बात ध्यान रखना, कष्ट जो होता है वो बाद में फ्रूटफुल रहता है, जैसे हमारे लिए, हम भी बहुत कष्ट में रहे जब पढ़ते थे दिन रात आज उसका मजा ले रहे हैं, आप देख रहे होंगे मस्त, अपना संडे है, छुट्टी है, ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग खत्म होने वाली है, अपना एंजॉय कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपना घूमते हैं फिरते हैं ट्रेनिंग में एंजॉय कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें, ये इन एकेडमी के अंदर आना ट्रेनिंग करना है अपने आप में कुछ लोगों को मौका मिलता है, तो उनमें से आप भी एक बनो, पढ़ते रहो, कोई भी दिक्कत हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, यूट्यूब पे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कांस्टेबल बनके मुझे मिठाई खिलाओ। जय हिंद।